क्यूरीज व्हाट्स अप एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ। सो दिस इज मी स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ विंटर क्ले स्पेशल फाउंडेशंस, जिसको यूज करने के बाद हमारी स्किन ड्राई ना हो, हमारा जो बेस है वो काफी अच्छा रहे। सो गाइस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड ऑल्सो चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज जल्दी से फॉलो करिए जाके। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में थ्री फाउंडेशंस, लाइक मेरे अकॉर्डिंग टॉप 3 फाउंडेशन मैं शेयर करूंगी जो कि विंटर के लिए ना एकदम बेस्ट होने वाले हैं। एंड वैसे ही वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं गाइस, तो सभी को नीड होती है फाउंडेशंस की। सो यार नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ में इनसाइड कॉस्मेटिक का ये फाउंडेशन, ये ड्यू फाउंडेशन है गाइस, ये विंटर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। साथ में गाइस इसके प्राइस सुन के ना आपको लाइक यकीन ही नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। लाइक इसका प्राइस है 175 रुपीज एंड ये ड्रॉपर में आता है। सो मुझे इसकी क्वालिटी साथ में कंसिस्टेंसी, साथ में जब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो ना, आगे मैं आपको फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी। सो ये फिंगर से भी ना इजिली ब्लेंड हो जाता है, तो मुझे काफी पसंद है। इसकी कवरेज लाइट होती है, लाइक इतनी भी हाई नहीं है, लेकिन आप इसे पार्टी फंक्शन किसी भी वेडिंग सीजन में आराम से वेयर करके जा सकते हो। सो या ये फाउंडेशन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसे बहुत यूज किया है गाइस। एंड शेड नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इसका क्वांटिटी लेवल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो या ये था मेरा फर्स्ट फाउंडेशन, बहुत ही प्यारा सा, तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बहुत ही वर्थ ऑफ मनी है ये। सो या अब बात कर लेते हैं मेरे सेकेंड फाउंडेशन की, जो कि होने वाला है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है गाइस, एंड जो मैंने अभी शेयर किया वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ही था। सो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर रखा है बिकॉज मेरी स्किन पे जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ, आई हैव अ ड्राई स्किन, बट जब मैं इसे विंटर में अप्लाई करती हूँ ना तो मेरा स्किन केयर भी काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है। उसके बाद जब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे, तो मुझे कोई भी ड्राइनेस या फिर इचिनेस लाइक बिल्कुल भी पैचेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे एज ए विंटर सीजन भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है मेरे फेस पे, साथ में समर भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है, तो ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। आपको इसमें सिर्फ उसी मैट फिनिश मिलती है, एंड मोस्टली आप एक काम करिएगा आप स्किन को, तो पाउडरी फॉर्म की चीजें कम ही यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको जो बेस है ना वो थोड़ा सा ड्यूई लगेगा। आप थोड़ा सा क्रीमी प्रोडक्ट टाइप यूज करोगे चीजों को, तो यह फाउंडेशन बेस्ट रहेगा अगर आप इस फाउंडेशन को भी ट्राई करते हो। शेड नंबर आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो एंड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो गाइस बात कर लेते हैं मेरे थर्ड फाउंडेशन की, जो कि होने वाला है नायका का फाउंडेशन। सो यह फाउंडेशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है, मैंने पर्सनली इसे विंटर में ही परचेज किए थे सारे फाउंडेशन लाइक अपने स्किन को देखते हुए। सो ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये भी ड्यूई एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, साथ में आपको मैट लुक भी प्रोवाइड करता है। सो ना ड्यूनेस भी रहती, मैटनेस भी रहती, तो अगर आप चाहते हो आपको दोनों चीज़ें एक ही फाउंडेशन में मिले, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस रेंज हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ ना तो काफ़ी ईजिली अप्लाई हो जाता है, मैट फिनिशिंग आती है। सो मुझे पर्सनली ये लाइक विंटर सीजन के लिए काफ़ी बेस्ट लगा है, एंड आप इसे समर में भी यूज़ कर सकते हो। तो जितने फाउंडेशन मैंने आपको दिखाए हैं ना, आप इन्हें समर में भी यूज़ कर सकते हो, साथ में विंटर में भी यूज़ कर सकते हो, तो है ना ये काफ़ी यूजफुल से फाउंडेशन, तो काफ़ी जल्दी ब्लेंड भी हो जाते हैं गाइज। पर्सनली मुझे फाउंडेशन बहुत पसंद है, मैं इन्हें लाइक ना हर टाइम जरूर परचेज करना चाहूंगी बिकॉज ये ना वर्थ ऑफ मनी है। मेबलिन के लाइक फिट मी फाउंडेशन की भी कवरेज काफी ज्यादा हाई थी लाइक, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ इस नायका की फाउंडेशन की, तो इसकी भी कवरेज काफी हाई, आप इसे किसी भी फंक्शन में वेयर करके जा सकते हो आराम से। तो प्लीज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लाइक मंडे एंड सैटरडे, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।